नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ओडिशा जनता एक्सप्रेस लाइव हिंदी बुलेटिन में। सबसे पहले भारत वर्ष के सभी सनातनियों को माता जगराता नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। तो चलिए चलते हैं खबरों की दुनिया में। आज का हमारा मुद्दा है ओडिशा क्षेत्र के तहत झारसुगुड़ा जिला के बारे में, जो कि एक औद्योगिक जिला है। आज झारसुगुड़ा जिला में एल्यूमिनियम, कच्चे लोहे, पावर प्लांट, सरकारी गैर सरकारी छोटे बड़े मिलाकर काफी उद्योग यह विकसित है। झारसुगुड़ा शहर में दुनिया के कोने कोने से लोग आकर अपना व्यापार से लेकर नौकरी पेश सभी तरीका से जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार भी इस जिले से काफी रॉयल्टी टैक्स इंक्रीज कर पा रही है। विश्व के हर कोने से लोगों का यहां आना जाना लगा रहता है। ऐसे में इस शहर की विकास किस कदर होनी चाहिए या हुआ है या हो रहा है, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, जो शहर औद्योगिक और विकसित हो, उस शहर का विकास किस कदर हुआ है आप खुद देख लें। झारसुगुड़ा भारत के ओडिशा राज्य के झारसुगुड़ा जिले का एक शहर और जिला मुख्यालय है। यह एक औद्योगिक केंद्र है जिसमें मुख्य रूप से धातु कर्म उद्योग शामिल है। यह रेल नेटवर्क के माध्यम से भारत के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और हाल ही में एक झारसुगुड़ा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है, जिसे अब वीर सुरेंद्र साय हवाई अड्डे का नाम दिया गया है। यह अपने प्रचुर मात्रा में उद्योग, ज्यादातर पास के थर्मल पावर प्लांट के कारण ओडिशा के पावर हाउस के रूप में लोकप्रिय है। झारसुगुड़ा को अक्सर अपनी विविध जनसांख्यिकी, भाषा और संस्कृति के कारण लिटिल इंडिया के रूप में जाना जाता है। झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन दक्षिण पूर्व रेलवे का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। यह स्टेशन जिले को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ता है। स्टेट हाईवे 10 झारसुगुड़ा को राज्य और पड़ोसी राज्यों के कई शहरों से जोड़ता है। राज्य परिवहन निगम की बसें अनेक शहरों से झारसुगुड़ा के लिए चलती रहती है। इसके बावजूद रेल विभाग की तरफ से झारसुगुड़ा जिला को अनदेखा किया जाता है। यहाँ के बुद्धिजीवियों का कहना है वो काफी टाइम से झारसुगुड़ा जिला विकास के लिए आमतौर से लगे हुए हैं। जाते हैं जब रेलवे का कोई मेमोरेंडम देने के लिए, कोई ऑफिसर से मिलने के लिए, तो आरपीएफ हमको रोक देता है। बिना टिकट हमको चार्ज भी वो कर सकता है। तो आप विजिटिंग ऑफिस को बाहर में कीजिए। रेलवे वाले लोग हमेशा प्रेस वाले लोग को अवॉइड करते हैं, जबकि छोटा से छोटा चीज को प्रेस वाले लोग को उनको जानकारी देना चाहिए कि आज डीआरएम आया, आज कमर्शियल ऑफिसर आया, आज जीएम आया, आज रेलवे का और अधिकारी आया। तो ये लोग जाकर के हमारा समस्या के बारे में बात कर सकेंगे, उसको हाईलाइट कर सकेंगे और उसका पब्लिक को लोगों को सुविधा मिलेगा। और एक चीज काल को देख चुके हैं, रवि पाणी, श्री वल्लभ पाणीग्राही, आपका धर्मेंद्र प्रधान, देवेंद्र प्रधान, सुभाष सिंह, अभी हमारे सुरेश पुजारी जी, ऐसा करके 9 सांसद यहाँ से ऑलरेडी जा चुके हैं। और आंचलिक विकास परिषद, जिसको हम लोग एक तो एनजीओ के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करा के हमेशा झारसुगुड़ा के सामाजिक लड़ाई, रेलवे की लड़ाई, सब विषय में हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। उनमें से एक सामाजिक संगठन है आंचलिक विकास परिषद, जो कि पिछले 40 वर्षों से झारसुगुड़ा जिला के कुछ विकास कार्य को लेकर हमेशा लड़ता आ रहा है, जिसमें मुख्य रूप से झारसुगुड़ा जिला को रेलवे डिवीजन करना, झारसुगुड़ा में विमान बंदर, चौकीपाड़ा ओवर ब्रिज, झारसुगुड़ा के सभी वार्ड में सही तरीका से काम होना प्रमुख। आंचलिक विकास परिषद के अध्यक्ष श्री मन मोहन पांडे अपने सभी सहयोगी के साथ साल भर में जिला में 5 से 6 बार वृक्ष लगाने तथा पर्यावरण के हित के लिए काम करते आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस संगठन में जिला के बहुत से प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी, उद्योगपति से लेकर व्यापारी तथा कर्मयोगी शामिल है। ऐसे में रेल विभाग के ऊपर इनका आरोप है कि कभी भी जिला में रेल मंत्री का आना हो या फिर डीआरएम मुख्य प्रबंधक, किसका भी परिदर्शन में इन्हें आमंत्रित नहीं किया जाता, ताकि ये शहर के मुख्य समस्या के बारे में उन्हें अवगत करा सके। बीते 27 सितंबर मंगलवार के दिन आंचलिक विकास परिषद के अध्यक्ष मनमोहन पांडे के नेतृत्व में संगठन के सभी कार्यकर्ताओं ने रेल विभाग को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कि मुख्य रूप से नंबर 1, झारसुगुड़ा जिले को तुरंत चक्रधरपुर डिवीजन से हटाकर संबलपुर डिवीजन में शामिल किया जाए और झारसुगुड़ा को डिवीजन 2 की मान्यता मिले। नंबर 2, जिला वासियों के सटीक और सरल गमनागमन के लिए तुरंत पैसेंजर ट्रेन को स्थायी रूप से शुरू करना। नंबर 3, कुछ पैसेंजर ट्रेन को एक्सप्रेस ट्रेन में तब्दील करना और यह ट्रेन छोटे मोटे स्टेशन में न रुकने को पूर्ण रूप से जाहिर करना। और भी बहुत से समस्या इस ज्ञापन में प्रतिलिपि है। हम आपके जानकारी के लिए बता देते हैं कि पिछले कई सालों से रेल विभाग और आंचलिक विकास के बीच पेन और पेपर का जिला के विकास के लिए घमासान युद्ध चल रहा है। कोरोना पीरियड में तो हम लोग आंचलिक विकास परिषद रेलवे का डिमांड के लिए लड़ने नहीं सके,
हमारा एक तो बुकिंग ऑफिस रेलवे का अदर साइड में चलता है, उसको रेलवे कोरोना का टाइम में बंद कर दिया, तो बुकिंग ऑफिस को चालू करने का है। जो 40% जो ओल्ड एज आदमी लोग को जो पेंशन रिबेट दिया जाता था रेलवे का, उसको बंद कर दिया गया, उसको चालू किया जाए। हमारा गोपालपुर से कोयला का जो लोडिंग चलता है 5 स्टेशन का, उसमें तो पैसेंजर ट्रेन चलाया जाए। हमारा झारपुरा जो एरिया है वो हमारा 3 डिवीज़न का बीच में है, 3 जोन का बीच में है, तो उसको हमारा ईस्ट कोस्ट जोन उड़ीसा में मिलाया है, जो हम लोग का बहुत दिन का भी डिमांड है। तो ऐसा करके हम लोग का 8 पॉइंट है जो हम लोग दिए हैं और उसको लेकर के हम लोग चलाने के लिए बोल रहे हैं। और जो हम लोग का झारपुरा अब देखना यह है कि इस बार के ज्ञापन के तहत रेल विभाग कितने काम को मंजूरी देती है, उसके पीछे में आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर व्यापारी लोग चाहते हैं तो उनको अपने दुकान का पीछे में रेलवे जमीन को लीज में दिया जाए।